नमस्ते, मैं कीर्ति काकवे आपका कीर्तिस किचन में स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं बासके पोहे का चूड़ा, फ्राइड पोहे का चूड़ा। कढ़ाई गैस पर रख के गैस चालू कर दीजिए। तेल डालिए। तेल गरम होने के बाद उसमें मनुके डाल के उसे तल लीजिए। तेल गरम होते ही आपने मनुके डाले, आपके मनुके फूल गए, अब उसे निकाल लीजिए। उसी तेल में आप काजू डालिए, हल्के ब्राउन होने तक उसे फ्राई कीजिए। उसी तेल में अब शेंगदाना डाल दीजिए, हल्के ब्राउन होने के बाद उसे भी निकाल दीजिए। शेंगदाने पोहे में डाल दीजिए, ड्राइड खोबरे के कटे हुए पीसेस डाल दीजिए तेल में। हल्का सा ब्राउन होते ही उसे निकाल के पोहे में डाल दीजिए। हमने सब तले हुए चीज पोहे में डाले हैं क्योंकि पोहा एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल। अभी हम फुटाने डाल रहे हैं। फुटाने हल्के ब्राउन होने तक तलिए। हल्का ब्राउन हो गया है, अब फुटाने को पोहे में डाल दीजिए। याद रखिए, हम सब एक ही तेल में तल रहे हैं। अब मैंने कड़ी पत्ता डाला है। कड़ी पत्ता क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। कड़ी पत्ता हो गया है, अब हम उसे पोहे में डालेंगे। अब मैं कोथिंबीर या धनिया डाल रही हूँ। धनिया को भी आपको क्रिस्पी फ्राई करना है। आप देख सकते हैं धनिया का कलर बदल गया है, पानी सूख गया है, धनिया क्रिस्पी हो गया है। अब इसे भी पोहे में डाल दीजिए। बचा तेल मैंने निकाल लिया है और अलग नया तेल लिया है। अब मैंने तेल गरम होते ही उसमें मोहरी या राई डाल दी है। राई तड़कने के बाद जीरा डाल दीजिए। जीरा फूंकने के बाद हींग डाल दीजिए। अभी तिल डाल दीजिए। तिल फूट गए हैं, मैंने अभी गैस बंद कर दिया है। अब मैं बाकी के मसाले गैस बंद करके डालूंगी। नमक, हल्दी, मैंने लाल बैडगी मिर्च पाउडर यूज की है, धनिया पाउडर मिक्स कीजिए। मैंने गैस बंद की थी और सब मसाले डाले हैं, अब अच्छी तरह उसे मिक्स कर दीजिए। ऑयल में जो मसाले डाले थे वो पोहे पे डाल दीजिए। आप कड़ी पत्ते को चूर भी सकते हैं या वैसे ही रख सकते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर दीजिए। मसाला अच्छी तरह से लगा लीजिए, पोहे को अच्छा रेड कलर आ जाना चाहिए।
एक बड़ी कढ़ाई लीजिए, उसमें मिक्स किए हुए पोहे डालिए। धीमे गैस पे उसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। थोड़ा सा खट्टापन के लिए मैंने सिट्रिक एसिड और मीठे के लिए शक्कर ऐड किया है। अब मिक्सर में उसकी पाउडर बनाइए। शक्कर और सिट्रिक एसिड का जो पाउडर बनाया उसे पोहे में मिक्स कर दीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। चिवड़ा तैयार है। आज हमने मास्के पोहे का लाल वाला चिवड़ा बनाया था, इसका हरा वाला भी बहुत अच्छा लगता है। इसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं।